कुछ नहीं है। हाय कोई तो बात है, माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आप है क्या किसी खैरी उदासी में डूब गए? मुझे क्यों इस घर की हालत एक थिएटर प्ले का मुखालता देती है? सारा रिलैक्स, मैंने कहा कोई बात नहीं। भाई कुछ तो है, बताएं मुझे क्या है वो। नहीं कुछ नहीं है, माँ की वजह से सिर्फ परेशान हूँ और कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि अगर हो सके तो रोज आ जाया करूं, भाई से बात करूं कि वो तुम्हें रोज यहां आने दें, आ जाया कर, अच्छा लगेगा माँ को। देखो दिलनशीन बहुत ख्याल कर रही है, लेकिन अभी बहू है और तुम बेटी हो, तुम आओगी माँ को अच्छा लगेगा। फिर भाई दिलनशी तो मेरी तवक्को से ज्यादा माँ का ख्याल रख रही है, अब तो मुझे उससे शिकायत भी कम ही है। वो आपको खुश रख रही है और भाई सबसे बढ़कर इस घर को औलाद दे रही है, हमें और क्या चाहिए? बहुत मजबूत सोच है तुम्हारी, खुश रहो। माँ के पास चलते हैं, अकेली हैं वो, आओ आओ। मुझे एक प्यार करने वाला शौहर मिला है हमजा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं? समझ गया। देखो दिलनशीन, आई थिंक तुम अभी बहुत गुस्से में हो, अगर तुम्हें किसी भी बात का गुस्सा है तो तुम मुझे गालियां दे लो, मुझे जलील कर लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन इसे छोड़ने की बात मत करो प्लीज। हमजा प्लीज, तुम मुझे बहुत पहले छोड़ चुके हो और मैं भी तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वापस मॉल छोड़ दो और इसके बाद कभी ना मिलो। अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया या बॉर्डर किया तो मुझे मजबूरन अपने शोहर को तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? शोहर से, उस शोहर से जो अपनी कजन के साथ अफेयर चला रहा है? उनकी कजन वापस जा चुकी है अपने शोहर के साथ, और अगर वो उस घर में भी होती तब भी मेरा शौहर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, ये बात खुद उन्होंने मुझे बताई है। You know what? मैं वेट नहीं कर सकता, तुम अभी जाओगी, जाओ जाके बात करो, तलाक लो, हम आज ही शादी करेंगे। मैं तलाक नहीं ले सकती। तनुश्री अभी जाओ, जाकर तलाक लो, हम आज ही शादी कर रहे हैं। हमजा आई एम प्रेग्नेंट। जैसे आई एम प्रेग्नेंट। उसे सौ दफा पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। किसी और से शादी हो जाए, यू डोंट माइंड भाई? यही तो करना है आपने। मैं ही पागल हूँ जो पता नहीं क्या क्या तो सोच रही थी। मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया तुम्हें? मजाक नहीं कर रहे थे आप ऐसा सोचते हैं तभी आप बार बार मजाक में इस तरीके की बात करते हैं। मैं तो कभी ऐसे नहीं कहती क्योंकि मैं ऐसा सोचती भी नहीं, अगर कभी मजाक में कह भी दूं तो डर जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ।
दर में।